मेरा नाम रितेश अग्रवाल है, तो मेरी प्लाईवुड का यूनिट है। अब सवेरे 4 बजे के करीब मैं मेरे इंप्लॉई का फोन आया सर, केड़ी जगह अपना मजीठा रोड से फैक्ट्री है जी, नाकलां च प्लाईवुड की फैक्ट्री है। मैं सवेरे 4 बजे मेरे इंप्लॉई का फोन आया कि सर फैक्ट्री में अग बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो मैं उस टाइम फायर ब्रिगेड से कॉल करके फैक्ट्री पर आया जी। तो आके वेख्या फैक्ट्री अग बहुत ज़्यादा मची हुई थी, तो आउट ऑफ कंट्रोल सी। तो सवेर की 10 से 12 गड्डियां आ चुकी हैं, शायद इस तो वध ही आई होगी, काउंटिंग कोई नहीं। तो बहुत ज़्यादा ही नुकसान होया, लखा का ही मेरा नुकसान होया। नहीं कोई रीज़न नहीं दस लग सकता जी, नहीं सर कोई रीज़न वगैरह नहीं पता लग सकता। 4 बजे के करीब वैसे ठंड का मौसम है, कोई अपने कमरे सुते हुए थे, तो कुछ पता नहीं लग सकता किस कारण अग लगी है। उस बंदे को कितना पता लगा जिन्हें तुम क्लाइंट ने फोन किया? एक दो लेबर दे आदमी प्रेस दे कोल मशीन कोल सुनते हैं, कोई गरमैश वगैरह करके भी कि हीट का काम है सो जाते कोल, तो उन्होंने पता लग गया कि थोड़ी अग निकल रही है, तो उन्हें उस टाइम फोन किया, तो वेखते वेखते अग बहुत ज़्यादा विकराल रूप ला चुकी है। नहीं जानी नुकसान कोई नहीं है, नुकसान हो चुका है, एस्टीमेट कोई हले दस नहीं सकते जी। नहीं लखा च ही होया, मैं कोई एस्टीमेट हले नहीं दस सकता। मेरा नाम दिलबाग सिंह है जी, फायर ऑफिसर। 4:25 से तलाह मिली है सानू कंट्रोल रूम टाउन हाल से, बई नाकलां प्लाईवुड की फैक्ट्री उस अग लगी है। 4 गड्डियां मौके पर लैके आ गए जी, एक अन्ना पेपर मिल तो बुलाई है अपने, अग ज़्यादा होने करके बुझाने गई। अग बहुत ज़्यादा से जो अभी आए तो बार बार गड्डियां बाहरों भर के पाइया गई पानी के, अग को कंट्रोल कर दिया। कारण का तो फिर साढ़े आठ तो पहले तो अग लगी होंगी है, कारण का तो मालिक ही दस सकते भी किस तरह अग लगी। जानी नुकसान कोई नहीं, नुकसान का तो इस तरह नहीं आइडिया लगता, तो मालिक ही दसणगे जी कि नुकसान हो गया।